Tú. Vamos, Matías, tú me छोड़ो उसको, तुम्हारा जरूरत नहीं है। हाँ बैठ सकते हो, बैठो। बस शुरू है, सॉरी, वो है सीएम साहब का विजिट दारेल का, क्योंकि भाई इससे टॉपिक है, उसमें हो सकता है मैं जज्बाती हो जाऊँ या कोई ऐसी बात हो। उससे पहले मैं जो सीएम साहब का विजिट है खालिद खुर्शीद साहब का, ये दारेल के लोगों की रिक्वेस्ट की थी, पीटीआई के लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, दियामर तशरीफ लाए। हमारे इससे पहले कोई चार डिस्ट्रिक्टों का दियामर में दारेल तांगिर, अलग अलग दो ज़िले और रोंदू का ज़िला और यासीन गुपस का ज़िला, ये बहुत पुरानी डिमांड है लोगों की, ये होता रहा है। गिलगित बल्तिस्तान वालों पे शक करता गया कि जी पता नहीं ये लोग क्या डिमांड करते। हमने हमेशा डिमांड की, वाहिद खत्ता है दुनिया में कि गिलगित बल्तिस्तान वाले मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं। अब इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसको कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट देता है, उसको कोई फिरके का सर्टिफिकेट देता है, तो मेरे ख्याल में ये नाजायज़ है, ये सही नहीं है। इस तरह लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों के पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, जॉब लेस से लोग, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और हम नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान चाइना का गेटवे है, पाकिस्तान का गेटवे है। ऑफिशियली देखा जाए, कानूनी देखा जाए तो हम पाकिस्तान का, खुद वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिले और पाकिस्तान का आइन खामोश है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आते हैं, हम कश्मीर इशू का हिस्सा है, हम कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन हम कश्मीर इशू का हिस्सा, इसलिए हमें, हम में वो फ्रस्ट्रेशन है। हम अगर डिमांड करते हैं, फ़र्ज़ करें तो हम डिमांड करते हैं कि हमें पंजाब जैसे हुकूक मिले, हमें सिंध जैसे हुकूक मिले, हमें केपीके जैसे हुकूक मिले, बलूचिस्तान जैसे हुकूक मिले, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो। अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं तो हमें कश्मीरियों जैसे हुकूक मिलने चाहिए। हमने कभी भी किसी ने भी कोई आज़ाद रियासत की बात नहीं की है। मेरे पर्सनल या मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी भी ये डिमांड नहीं है। बल्कि इमरान खान का ये विजन है, इमरान खान की ये सोच थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे, पाँचवा सूबा बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वफाक में हुकूमत में डिस्टर्बेंस आ गई, अभी पीडीएम की हुकूमत है। मुझे उम्मीद है कि वो इमरान खान का जो विजन था उसके हिसाब से पीडीएम वाले, पीपल पार्टी वाले जो इतिहादी हुकूमत में हैं, वो लोग इस बजट से पहले गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाए, हम उनके साथ हैं इस हवाले से। यहाँ पे सीएम साहब का विजिट तो हो गया, इंशाल्लाह उनके ऐलानात भी उधर होंगे। हम सीएम साहब के विजिट पर जो अपोजिशन है, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की, लेकिन मैं मशहूर हूँ उन तमाम विजनरी लीडरों का, मजहबी लीडरों का, नोटेबल्स का, दारेल के, कि उन्होंने सब ने मिल के कहा कि जी हम वेलकम करेंगे। हमारा ट्रेडिशन ये नहीं रहा कि हम लोगों को, मेहमानों को तंग करें, हम तो मेहमानों को वेलकम करने वाले लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिसका भी लीडर आए, जब भी आए, हमारे दारेल वालों ने कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है, बल्कि हमने मिल के इस्तकबाल किया है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान में ये रवाज नहीं है, लेकिन दारेल में ये है कि जिस पार्टी का भी हायर अप में आ गए तो शतियाल से हम उसको बाकायदा इस्तकबाली जुलूसों में, रैलीज में हम उसको गुमारी तक ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे सीएम साहब खालिद खुर्शीद साहब, वो दारेल की तरक्की के लिए आ रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे और हम सब मिल के इस डेवलपमेंट के काम में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। क्योंकि सीएम के दारेल आने से किसी को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है दारेल को, फ़ायदा है दारेल के। मेन डिमांड्स डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है, पॉलिसी का डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है, हेल्थ का डिमांड है, एजुकेशन का डिमांड है, ये सारी हल हो जाएंगे तो दारेल का मसला डेवलपमेंट हो। क्योंकि हम बहुत पसमानदा हैं, एक तो बदकिस्मती थे, थोड़ी सी हमारी अपनी कमज़ोरी, मीडिया में हम थोड़े दूर हैं और गवर्नमेंट ने हमें पसमानदा रखा इससे पहले, और हमारे लोकेशन पे हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। सी पैक हमारा दूर से गुजर रहा है और बादशाह दियामर डैम हमारे सरजमीन में बन रहा है, हमने अपना कल्चर अबाजाद की कब्रें छोड़ी है, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत इंडोर्स करेगी। और यहाँ पे जो लोकल जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं वो हमारे सीएम गिलगित बल्तिस्तान
खालिद खुर्शीद साहब जो इमरान खान के विजन के हिसाब से इमरान खान ने अप्रूवल दी थी, ये डिस्ट्रिक्टों का वो उधर आके इंशाल्लाह उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। और बहुत पुरउम्मीद है, बहुत पुरजोश है वहाँ की जो छोटे से बड़े तक आवाम जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ हो, हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। तारीखी रैली होगी, तारीखी इस्तकबाल होगा और तारीखी जलसा होगा। बाकी बातें इंशाल्लाह सीएम साहब के उधर आने पर होंगी। मैं दूसरे इशू की तरफ आता हूँ, क्योंकि आज ये कल से ये आईजीपी साहब का बहुत ये किस्म का हाइप क्रिएट हो गई। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैंने पहले कहा था कि हम एक मेंटेलिटी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कि आईजी साहब के पास मैं पहले भी गया था कि दारिल सबसे खूबसूरत इलाके है, जंगल है, स्ट्रीम्स है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स है, हम चाहते हैं कि दारिल तांगिर में भी लोग जाएँ, ताकि उससे ये होगा कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब इतने नहीं है कि जी लोग वहाँ का जाके जॉब्स ले सके, इसलिए बेरोज़गारी है, लोग डिग्रियाँ बाप माँ बाप के खर्चे से आके बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो अब टूरिज़्म खुलेगा तो हमारे उधर रोज़गार पैदा होगा, लोगों की गाड़ियाँ चलेंगी, लोगों का की दुकानें चलेंगी, लोगों को शोर आएगी, लोगों को अवेयरनेस आएगी। मैं एक एप्लीकेशन ले के, ये हमारे जो आईजीपी साहब है, मेरे उससे पर्सनली कोई वो नहीं है, सबसे पहला आदमी मैं हूँ। जब वो गिलगित बल्तिस्तान आए थे, कुछ दोस्तों के रेफरेंस से मैंने उसको वेलकम किया, उसको टोपी पहनाई थी, लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, या यहाँ पे इस सरजमीन के अंदर कोई ऐसा है, बाहर से आने वाले अंदरूनी बैठने वालों को एक अजीब नज़रों से देखते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इस माशरे के लिए ख़तरनाक है। हम बड़े सेंसिटिव एरिया में रहते हैं, लोगों को गिलगित बल्तिस्तान वालों को ओन करना होगा। इस एटीट्यूड से पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और खुदा रहा, देखे मैंने आईजीपी साहब से कोई डिमांड, पर्सनल डिमांड नहीं की थी, मैंने कहा था दारेल के लिए आप कोई टूरिस्ट पुलिस दे दे, ताकि वहाँ पे थोड़े बहुत टूरिस्ट पुलिस होगी तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होगी। लेकिन आईजीपी साहब ने उसको मजाक में लिया, मेरे साथ बदतमीज़ी भी की, तो मैंने इग्नोर कर दिया। इसी तरह के दो तीन वक्त जब भी किसी पुलिस सिपाही, देखे हम पॉलिटिशियंस हैं, हम हर दफ्तर में जाएंगे, हर इदारे में जाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, माने या ना माने, हमारी तजलील ना करें, काम नहीं होता तो कह दें नहीं होता है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि जी बस आगे से हमें दुत्कारे, हमें अंडर एस्टिमेट करे, इग्नोर करे, इंसल्ट करे, मेरे ख्याल में ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये मैं डाउन कंट्री से आने वाले सब ऑफिसरों का ये एटीट्यूड नहीं है, कुछ गिने चुने, लेकिन वो एक फिर आगे जाके एक लॉबी बन जाती है, एक माफिया बन जाता है, तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। यहाँ पे हालात इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, इंटरनल सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर हमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में जाते हैं लोग। इसलिए आईजीपी साहब से मैंने कहा कि जी हमें टूरिस्ट पुलिस दे दे, तो उसने कहा कि दारेल कौन जाता है, दारेल में कोई टूरिस्ट होता है, उसका टोन भी अजीब सा था, कहता है जी कोहिस्तानी दो आएंगे एक मुर्गी लेके वो ज़बह करेंगे। तो मैंने कहा कोई भी आ जाए तो वो गाड़ी पे आएंगे, वो उस इलाके को देखेंगे, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ जाएगा तो हमारे इलाके की नई नामी होगी। हम बद इतने नहीं हैं जितने हम बदनाम हैं। मीडिया में हमारी पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से हमें बाहर से आने वाला बड़े अजीब से नज़रों से देखते, जो जाता है वो तो बड़ा इम्प्रेस होकर जाता है, जो बाहर सुनता है उसको ऐसे सुनाया जाता है कि जैसे कि हम कोई ऐसे जजीरे में रहते हैं जहाँ पे लोग एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल लोग रहते हैं, जैसे वो रेड इंडियंस को उठा के ऑस्ट्रेलिया के जजीरों में फेंकते थे, हमें ऐसा समझा जाता है। ये मैंटेलिटी ठीक नहीं है। हम गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, हम गिलगित बल्तिस्तान के जो जोग्राफिया है उसके अंदर हमारी हैसियत जिस्म का एक ऑर्गन का हिस्सा है, इसको काट के अगर हम पसमानदा है, अगर हम थोड़े बहुत अवेयरनेस कम है, तो हमें अब लिफ्ट करें। बाहर से आने वाले भाई पढ़े लिखे आते हैं, इदारों के ज़िम्मेदार आते हैं, वो आए तो हमें एजुकेट करें, बजाय हमारी तजलील करें। ये हल नहीं है, बंदूक बदमाशी बदकिरदारी बदज़बानी हमें बर्दाश्त नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी की बदमाशी किसी की बदतमीज़ी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कोई अलग कोई स्टेट नहीं मांग रहे, हम इज़्ज़त मांग रहे हैं। उसके लिए हमने इस मुल्क को, इस इलाके को हमने खुद आज़ाद कराया। ये आईजीपी साहब ने नेक्स्ट टाइम, कल की बात ये बता रहा हूँ, मैं उनके दफ्तर चला गया क्योंकि सीएम साहब ने दारेल जाना था। मैंने कहा थोड़ा सा उससे ये डिस्कस करूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है उसको काउंटर करने के लिए मैंने कहा उससे बात करूँ। पहली बात तो ये कि मेरे साथ दो फॉरनर्स थे, मेरे मेहमान थे,
उनको एक अच्छा मैसेज जाता है। उनको गिलगित बल्तिस्तान के काजी निसार साहब के पास हम गए, उसने गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चर पेश किया। उसने एक वो जो टूरिस्ट थे उनको जो बाहर से आए थे मेरे दोस्त, उनको टोपियाँ पहनाई हमारे कल्चर के हिसाब से, उन्होंने उनको चोगे पहनाए, उनको उनकी खातिर मदारत की। वो एक रिलीजियस लीडर है, एक इलाके का बड़ा है, उसने इतना अच्छा वेलकम किया कि मैं उनका मशकूर हूँ। मैं पूरे जीबी की हुकूमत के जो जीबी के लोगों की तरफ से, और वो जो मेरे दोस्त थे वो बड़े इम्प्रेस हुए। उसी ऑन द वे हम जब आईजी साहब के पास चले गए तो आईजी ने जिस तरीके से हमें इंसल्ट किया, जिस तरीके से हमें इग्नोर किया, देखिए आपके पास कोई मेहमान आता उससे हाथ शाथ मिला के उसके हाल अहवाल पूछते हैं जी, इधर से एक टेलीफोन आया, इधर से एक उठाया, बाहर से फाइल वाले को बुलाया, बिठा के मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद फिर जब बाहर से दो बंदे आए तो उनके सामने कहा कि ये देखो ये डॉक्टर साहब कल मुझसे दारेल के लिए ट्रैफिक पुलिस मांग रहे थे। दारेल में ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल बनता है? मैंने कहा यार मैंने दारेल के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं मांगा था, बल्कि मैंने दारेल के लिए टूरिस्ट पुलिस मांगा था। हमारे दारेल के टूरिस्ट पुलिस में 20-25 लड़के हैं, यहाँ पे 14-15-20 गाड़ियाँ आई है और मोटरसाइकिलें आई है। मेरा मकसद, मैंने ये नहीं कहा कि ये मोटरसाइकिलें डॉक्टर जमान को दे दो वो उधर चला गया, मेरी फैमिली को दे दो, ये नहीं कहा था। मैंने कहा दारेल में ये भेज देता कि हमारे अंदर एक सोशल अवेयरनेस पैदा होगी, लोग टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हम जो क्रिमिनल माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा, एक सॉफ्ट इमेज जाएगा। लेकिन उसने कहा दारेल में, फिर वही बात की कि दारेल में कौन आता है। फिर कहता है कि जी वो एक हवाला दिया, एक ऐसे साहब के 9 साल की बेटी जाके दारेल में घोड़ी पे ऊपर बैठी तो मौलवी साहिबान ने वो देखा, हमारे उलमा की इंसल्ट की उसने कि जी ये लड़की आई है, आइंदा टूरिस्ट दारेल में नहीं आने चाहेगा। तो नहीं आ चाहे कहने का मतलब ये है कि उसने हमारे इलाके की इंसल्ट की, झूठ बोला, गलत बयानी की उसने, कभी ये नहीं कहा। हमारे उलमा ने एक आलिम का नाम बताया कि फ़लाँ आलिम में आया। फिर उसके बाद ये कहता है कि मेरे पास 35 उलमा है कि जी आइंदा आपने टूरिस्ट को दारेल में नहीं छोड़ना। उसका ये कहना है बाकायदा, उसने मेंशन किया शतियाल में जो चेक पोस्ट हमने इसलिए रखी है कि वहाँ से टूरिस्ट दारेल में ही ना हो। चलो ये अगर फॉरनर्स के लिए कहता तो मैं मान लेता, लेकिन उसने नाम टूरिस्ट इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये है कि वो लोकल, डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल सारे टूरिस्ट की बात की। तो ये इंतहाई गलत बयानी की, मेरे इलाके की बदनामी की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे मेहमानों की इंसल्ट की, मेरे उलमा का इंसल्ट किया, हमें पत्थर दौर में ले जाने की कोशिश की आईजी साहब ने। बजाय वो तो पुलिस का बड़ा है, वो तो हमें फैसिलिटेट करता, हमें सिक्योरिटी देता, हमारे जो मेहमान जाते हैं उनको अच्छे तरीके से भेजता। अब जो मेहमान उसके कमरे में गए उनके साथ उनके सामने मुझे बदतमीज़ी की, आप झूठ बोल रहे हो, आप बदतमीज़ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, फिर आइंदा मेरे दफ्तर में नहीं आना। तो ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर हमें मंजूर नहीं है, किसी और को हो सकता है, डॉक्टर जमान को यह एटीट्यूड बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं आज़ाद पैदा हूँ, मैं किसी का नहीं खाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं ओवरसीज़ में 17 साल रहकर आया हूँ, मैंने इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई गद्दारी नहीं की, गिलगित बल्तिस्तान के किसी फर्द ने गद्दारी नहीं की। हमने आप गिलगित बल्तिस्तान के जिस गाँव में जाओ पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग मुफ्त में नहीं लगा, हमने खून दिया, हमने सेंचुरी किए इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ कि शंदूर से लेकर तांगिर तक, देवसाई तक, ऊपर जाके बाबूसर तक, गिलगित बल्तिस्तान का जितना जुग्राफिया है उसके अंदर रहने वाले गरीब, बूढ़ा, नादार, औरत, मर्द सब इज्जत चाहते हैं। कोई ये समझता है उनको तारीख का नहीं पता है, उनको तारीख पढ़नी चाहिए। उनको इधर आने से पहले अपने आदात व खसाइल जो है उनका स्टडी करके आए, हमारे कल्चर से रिलेटेड आ जाए। मेरी ये गुजारिश है हायर अप से, इदारों से, कि जो नीचे से आए थे उनको कम से कम हमारे कल्चर को पढ़ा के भेजा जाए, उनको बादशाह बना के ना भेजा जाए, हमें गुलाम बना के समझ के ना भेजा जाए। ये एटीट्यूड एक दफ्तर में नहीं है, बहुत दफ्तरों में है। देखिए ये क्या तुक बनता है, नीचे से आने वाला 17 वाला जाके ज़िले का SP बनता है, मेरे गिलगित बल्तिस्तान का 18वें-19वें स्केल का इधर CPO में सड़ रहे हैं, और इस IG की जैसे मेंटेलिटी के लोगों को। और बदकिस्मती है कि हम बस जो टोपियाँ पहना कर आदतें ख़राब की, और ये हम कल्चर है हमारा, जब टोपी पहनाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा भाई हो कल्चरली। वो जो पंजाबी में टोपी पहनाने वाली बात समझता है IG साहब, तो वो नहीं है। हम एक नंबर है, हम अच्छे पाकिस्तानी हैं, हमने सेंचुरियाँ की है, हमने शहादतें दी है इस मुल्क के लिए, इतनी शहादतें जितने गिलगित बल्तिस्तान वालों ने दी है पाकिस्तान पूरे ने नहीं दिए। एक एक ज़िला गिजर के लोगों ने 199 की कारगिल वार में हमारे 100 लोगों ने शहादतें दी है,
इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें शक की निगाह से ना देखें, हमें ओन करें, हमें फैसिलिटेट करें, हमें एजुकेट करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। हम चाहते हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो दे दें। ये क्या बात हो कि जी गिलगिती जो तुम्हारे उसमें जाता है दफ्तर में उसको इंसल्ट करे, बल्ती जो जाता है उसकी इंसल्ट करे, और आप लोग जो नीचे से आए हैं वो ज़्यादातर सज़ा में आते हैं, इधर उनको जो पनिशमेंट देनी होती है वो इधर आते हैं, इधर आके वो गैंग बन जाता है और गैंग बनने के बाद फिर वो हमारे ऊपर जुल्म करना शुरू होता है। मैं बताऊँ कि ये बंगाल जैसी हालत पैदा की जा रही है यहाँ पर। हमें बंगाल चाहे, बंगाली नहीं चाहे, हम बंगाली भी नहीं हैं, ये बंगाल भी नहीं है, हम गिलगिती हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के शहरी हैं, हम एक आज़ाद रियासत थे, हमने खुद आज़ादी हासिल करके खुद शामिल हुए। मेरी गुजारिश है जितने भी चीफ सेक्रेटरी है यहाँ पे, और मेयर आई जी के इस मसले का इंक्वायरी करें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं मीडिया पर आके माफ़ी मांगूंगा, एक लफ्ज़ भी गलत हो नहीं, अगर वो गलत है तो उससे माफ़ी भी मांगे, वो उसको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया जाए। और बाकी जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं, जिस दफ्तर में भी हमारे भाई हैं, हमारे पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम भी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, वो भी हमें पाकिस्तानी समझे, हमें गद्दार ना समझे, हमें सर्टिफिकेट ना दे, ना उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हमने उनसे पूछ के आज़ादी हासिल नहीं की, ना हमने उनसे पूछ शमूलियत की है, हमने कोई बिला मशरूत हमने शमूलियत इख्तियार की, इसका हमें सिला ये ना दे कि हमें दुत्कार है, हमें इंसल्ट करें। और आइंदा के लिए मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि इस आईजी साहब को वापस जाना चाहे। इसने मेरी इंसल्ट नहीं की, मेरी पूरी कौम की इंसल्ट की है, दारिल की इंसल्ट की, हमारे उलमा की इंसल्ट की है। ये उलमा 35 का बता रहा है, अगर 5 भी पेश करेगा, ये 5 उलमा मेरे पास आए थे कि टूरिस्ट को दारिल में नहीं छोड़ना है। तो पिछले दिनों ये ईद के दिन हज़ारों में टूरिस्ट आए थे, ये कौन सी मखलूक थी? जब मैंने ये कहा तो वो कौन थे? मैंने कहा ये ह्यूमन थे, वो इंसान थे, वो कोहिस्तानी थे, वो चिलासी थे, वो तांगिर के थे, वो दारिल के थे। तो इस तरह के फतूर, इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। मेरी गुजारिश है, देखो यहाँ पे बैठने वाले सब जो बाहर से आए वो हमारे भाई हैं। जितनी हमारे इधर इंडक्शन होती है, जितने ऑफिसर्स नीचे से इधर आते हैं, इतने ऑफिसर यहाँ से भी जाना चाहें, ये हमें मंजूर है। इसके अलावा ये मंजूर नहीं है कि जी वहाँ का 17 वाला जाके ज़िले का SP बनेगा, मेरा 18 वाला जाके नीचे थानदार लग जाए, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इस मैंटेलिटी से इस मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। हम मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी मुश्किलात में पड़ा हुआ है। लिहाजा गुजारिश है मुक्तदर इदारे इनकी मैंटेलिटी ठीक करें, ऐसे मैंटेलिटी वालों को मत भेजें, ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, ये इस इलाके के लिए ख़तरनाक है, इस रीजन के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो बहुत मेहरबानी, मैं अगर कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, कोई हार्श बात भी। आप उस इलाके से बेशक ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुंतखब लोग हैं, मुंतखब कायदे जो असम्बली के अंदर जिनकी नुमाइंदगी है, इस तरह की डिमांड हुकूमत आपकी अपनी पार्टी की है, तो उनको जाके हुकूमत से करना चाहिए, वज़ीर आला के सामने करना चाहिए, देखें गैर ज़रूरी की बात नहीं है। मैं डिमांड करना एज ए पॉलिटिशियन, मैं PTI का सीनियर मोस्ट रुकन हूँ, और डिमांड करना कोई नाजायज़ नहीं है। अगर रहमत खालिक ने नहीं किया, हैदर खान ने नहीं किया, तो मैं भी चुप करके बैठूँ, जो वो करें उस सुनत में मैं भी अमल नहीं कर सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है यहाँ के हालात का पता है, मुझे इंटरनेशनली हालात का पता है कि टूरिज़्म से मेरे इलाके को क्या फायदा सोचता है, मेरे इलाके में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जब मैंने ये डिमांड की तो आप ये नहीं कह सकते कि तो उन्हें रहमत खाली क्यों नहीं करता है, तो आप क्यों कर रहे हैं, या मैं ना करूँ तो वो भी ना करें। या मैंने इमरान खान से ये सीखा है कि अपने हकूक के लिए इमरान खान के सामने भी बोलना है। खालिद खुर्शीद के इसलिए ले जा रहा हूँ कि यही चीज़ें हम डिमांड करेंगे और इंशाल्लाह ये मसले हल होंगे। देखिए आज कल तो छुट्टी, उसमें मैं कोई मेहमानों के साथ मैं उधर नलतर किया था, मैंने मीडिया में लाया, जब मैंने पोस्ट दी है फेसबुक के स्टेटस लगाया तो उसके बाद मुझे काले आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा, मैंने नलतर में जाके वो मेहमानों के साथ मैंने किसी कमरे में बैठ के वो सारा सिचुएशन बता दिया, उसके बाद भी मैंने क्लियरेंस ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं क्लियर बता दूँ। देखो ये बीमारी है, इस बीमारी में बीमारी को ठीक करने के लिए मीडिया का रोल होना चाहिए, कम्युनिटी का रोल होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल होना चाहिए, यहाँ पे जो इदारे हैं उनका रोल होना चाहिए। इमाम हुसैन का कॉल है, ये मेंटेलिटी एक जुल्म है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो ये ख़त्म होगा।
जितनी देर से आवाज़ उठेगी, इमाम हुसैन का कौल है कि जितनी देर से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे इतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेंगी। लिहाजा मैं कहता हूँ कि गद्दारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अलग स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे टूरिस्ट पुलिस चाहे, मुझे इज्जत चाहे, जिस दफ्तर में जाता हूँ मुझे ग़ुलाम ना समझे, मुझे इंडियन ना समझे, मुझे अफ्रीकी ना समझे, मुझे समझे अपना भाई समझे, मुसलमान समझे, इंसान समझे, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। डायरेक्टली देखें चीफ से बिल्कुल चीफ मिनिस्टर कल आपको सबको बताएगी हुसैनी पुल की वजह से, वो सारा जो डेलीगेशन के साथ सारा दिन उधर रहे और डायरेक्ट मेरी उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं रही, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने पैगाम पहुंचाया भी है, उसको पता भी है और मुझे उम्मीद है कि वो ये मसले का हल निकालेंगे। जहां तक आपने कहा कि पहाड़ों पर चढ़ने वाली, देखो बिल्ली भी बहुत कमज़ोर है, उसको भी आप मारो तो दीवार के साथ लग गई तो वो पांजा मारती है, काटती है। हाथी बहुत बड़ा है, चोंटी बहुत छोटी है, लेकिन चोंटी हाथी की मौत का सबब बन सकती है। कोई हमें अंडर एस्टिमेट ना करे, हमें आज दुनिया सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, अमेरिका में बैठा हुआ, मार्स में बैठा हुआ बंदा मुझे यहाँ देख सकता है, मेरे जेब में पैसे गिन सकता है, मेरे जिस्म के ऊपर बाल गिन सकता है। तो कोई ये मत समझे कि ये FCR का दौर है तो इनको दबाएंगे तो ये चुप रहेंगे, दबेंगे तो बहुत ज़्यादा उभरेंगे। इसलिए कहता हूँ कि हम पे मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इज्जत की भीख मांग रहा हूँ कि मेरी इंसान ना करे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ओवरसीज़ में रहकर रेमिटेंस लाया, मैंने यहाँ सोशल वर्क किया, यहाँ मैंने दारेल तांगिर नगर और हमजा नगर कम्युनिटीज़ के अंदर सेक्स के अंदर मैंने रोल प्ले किया ब्रिज बनने का, तो मुझे इंसल्ट करेंगे, मुझे डिसार्ड करेंगे, तो फिर मजबूरी की हालत में मैंने कल जो कहा था मैं कुछ ना कर सका, आवाज़ नहीं उठा सका, तो मैं ये इलाका ये मुल्क छोड़ दूँगा, ताकि बाकी अगर उनकी मकसद ये है कि उनको गिलगित चाहे तो ले ले, वरना जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने दे। मैं चाहता हूं कि यहां स्कूल खोले, मैं चाहता हूं यहां अमन हो, यहां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रीजनल रिलीजियस यहां जो फ्रस्ट्रेशन है ये ख़त्म हो। हम भाई हैं, आपस में बैठे हैं, हम बहुत जोग्राफिकल लोकेशन पर बैठे हैं, हमें ऑन करें, हमें तंग न करें। वो आते हैं 3 साल के लिए, हमारे सदियों पुराने रिश्ते ख़राब करके जाते हैं, ये ना करें। ये इसकी वजह ये है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुर्दों के साथ ऐसे वाक़ात नहीं आते। मुर्दा एक जगह पड़ा रहता है तो उसके साथ कौन छेड़ेगा। मैं ज़िंदा हूँ, मैं अवेयरनेस रखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है मैं उसको जानता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं हर्ट हो जाता हूँ कोई आगे से कहता है, तो इसलिए जहाँ जाता हूँ ऐसे वाक़ात मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में जाता हूँ। मैं सियाहत भी करता हूँ, मैं सहाफ़त भी करता हूँ, मैं सेहत का भी काम करता हूँ, मैं सोशल एक्टिविटी करता हूँ, मैं इंटर रिलीजियस इंटर फेथ मैं हारमोनी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। जाहिर है आप एक अच्छा काम करते हैं, उसके लिए मसाइल भी इतने ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, लेकिन मैं इससे डिसार्ड नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह ये जारी रखूँगा बेशक जितना भी। देखे मैंने जिला सुने आपका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन अब तो आप सवाल करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन भी करा तो मुझे पता चलेगा आप लोग। थैंक यू सर, मैं समझ गया आपके सवाल के जवाब। सर देखिए मैं IG साहब से कोई मैं बताता हूँ वो भी बताता हूँ
देखें, हर बंदे का एक लेवल होता है, एक स्टेटस होता है। आईजी इंचार्ज होता है सिक्योरिटी का, पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। मैं डिमांड दारेल की सीएम विजिट पर सिक्योरिटी के हवाले से गया था, मैं कोई ज़िले की डिमांड लेके नहीं गया था। इसलिए वहाँ पे जाके मैं एक जेन्युइन डिमांड, एक रिलेटेड डिमांड लेके गया था। उस पर वो इरिटेट हुआ, उसने आगे से मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो मसला हो गया। अब ज़िले की डिमांड होती तो मैं सीएम के पास चला जाता, अगर कोई होम डिपार्टमेंट की हो तो मैं होम सेक्रेटरी के पास जाता, एजुकेशन की होती मैं होम एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जाता। आप ये क्यों कहते हैं कि आप उसके पास भी नहीं जाए, आप सारी डिमांड लेके उधर? मैं पूरे इदारों से करता हूँ, मैं सीएम से करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से करता हूँ कि ऐसी मेंटेलिटी वाले अफसरों को उठा के ले जाए। ये हालात ख़राब कर रही है, मुल्क ख़राब कर रहे हैं, ये इलाके में बदअमनी फैला रहे हैं। ये बजाय ठीक करने के यहाँ आके ये 10-12 बजे तो ये दफ्तर आते हैं, आने के बाद इनका एटीट्यूड ये होता है कि हमें गुलामों जैसा ट्रीट करें। किधर जाएँ हम छोटा सा डिमांड लेके, एक छोटे से सिपाही की डिमांड, ट्रांसफरी की डिमांड लेके जाते, वो कहता है इसको नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये नौकरी इसकी दी हुई नहीं, ये अपने जेब से पैसे देता है, ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ख़जाने से पैसे जाते हैं। इस एटीट्यूड से हम हर्ट होते हैं, हमारी तोहीन होती है, हमारी इंसल्ट होती है, ये ना करें। देखिए टूरिस्ट पुलिस इसके अंडर है, वज़ीराला के अंडर नहीं है। मैं उधर भी जाता तो उसने इसके पास भेजना था, मैं एप्लीकेशन लेके भी जाता उसने उधर भेजना था, उसने टूरिस्ट का एक इंचार्ज यहाँ AIG उसके पास भेजना था। तो मैंने तो कौन सा मैंने फ्लोर क्रॉसिंग की, या मैंने कौन सा कोई कुरान को न मानी, या कोई किसी के ख़िलाफ़ बात की? मैंने जेन्युइन डिमांड की, मैंने कोई उसके सर पे पत्थर नहीं मारे। मैंने कहा कि मुझे टूरिस्ट पुलिस चाहिए, मुझे कहा, मैंने कहा कि वहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि डॉक्टर जमान के पीछे 10 पुलिस वाले खड़े करो। मैंने कहा कि मेरे इलाके में सिक्योरिटी पुलिस वाले अच्छी वर्दी, खूबसूरत मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ हैं, तो उस इलाके में खूबसूरत इस तरह के जाएंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोग पूछेंगे ये कौन है। इससे ये होगा कि लोग जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उनको एक सेफ्टी मिले महसूस होगी, एक सिक्योरिटी महसूस होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी कि यार ये आ गए हैं तो लोग भी आ गए हैं, तो आगे फिर होटल बनाएंगे, दुकान खोलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, इससे हमारे इलाके में फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी। ये मकसद था मेरा, कोई ये मकसद नहीं था कि मैंने जाके कोई F-16 नसवार नहीं मांगा था मैंने, या DI खान में जाके मैंने उस ज़मीन नहीं मांगी थी। मैंने तो ये कहा था, मैंने उसकी पर्सनल कोई इंटरेस्ट में या उसकी बदतमीजी नहीं की थी। देखिए हम, मैंने कहा ना कि हम कल्चर लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चर है, हम एक दूसरे बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों पे शफकत करते हैं, हमारा रिलेशन है, हम बॉन्डिंग है हमारी आपस की, हम बेशक जिधर भी रहते हैं हम एक दूसरे का इज्जत करना जानते हैं, हम इंसल्ट नहीं करते किसी की। देखिए मैंने वीडियो पैगाम इसलिए दिया कि जब मैंने स्टेटस लगाया, मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि मैं फटने वाला था, तो मैंने स्टेटस लगाया कि अपना जो दिल का बोझ था, मेरी जो इंसल्टिंग एटीट्यूड था उसको कम करने के लिए मैंने एक स्टेटस लगाया। तो लोगों ने काले की, हर बंदे को वो कहानी नहीं सुना सकता था, हर बंदे को जी वो कि बैल मर गया तो वो कहानी सुनाता था, घर जो आता था कहानी सुनता था, तो तंग आ गया। आखिर उसने कुछ और हरकत की, मैंने वो नहीं की, मैंने कहा यार बजाए हर एक बंदे को फ़ोन करके ये कहानी शुरू से सुनाओ। मेरे साथ मेहमान थे, मैं उधर विजिट पे जा रहा था, मैंने कहा ये वीडियो दे दूँ। अब जो भी फ़ोन करता था मैं कहता मेरा वीडियो अलग है उस पर देखो। फिर वीडियो के मोर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, और इसमें भी मैंने कोई स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं की, मैंने कोई ऐसा अनहोनी काम नहीं किया। मैंने अपने जो कहते हैं ना एक्सप्रेशन का जो मेरा राइट है वो मैंने किया। अब मैं हर इस चीज़ के लिए मैं जाके CM से पूछूं कि मैं ये काम करूं ना करूं, मैं जाके IG से पूछूं कि ये काम करूं ना करूं। मैं पॉलिटिकल, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं, मैं किसी इदारे का मुलाजिम नहीं हूं, मैं कोई किसी का मकरूज नहीं हूं, तो मैं क्यों किसी से पूछता रहूं? बेशक वो बुरा माने कि इसने गलत किया है, मैंने अपने इलाके की आवाज़ उठाई, मैंने अपने उलमा की इंसल्ट हुई थी उस पर बात की है, मेरी खुद इंसल्ट हुई थी। वो क्या होती, मेरे पास 10 जिरगे आए कल, ये चाहते थे पट्टी करें, मैंने ऑपरेशन किया है, मजीद इस तरह एटीट्यूड रहा तो फिर यहाँ हालात ख़राब होंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये पैगाम चूंकि आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है,
सीएम साहब ने भी सुना, हुजरात ने भी सुना, आपकी तमाम पार्टी के जो हैं उम्मीदवारों ने सुना, तो क्या उनकी तरफ से आपसे पूछा गया, आपसे कोई इस हवाले से बात की पार्टी वालों ने? मैं समझ गया। मैं थोड़ा सा इस तरह का, एक बुराई हो रही है ना, तो इस्लाम का एक वो है मफहूम है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो हाथ से रोको, उससे कम है तो ज़बान से बुरा मत रोको, अगर उससे भी तुम्हारी पावर नहीं है तो तुम दिल में बुरा मानो। दिल में सब ने बुरा माना है लेकिन एक्सप्रेशन किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब ने, किसी ने नौकरी लेनी है, किसी ने पलाड लेना है, किसी ने परमिट लेना है, किसी ने कोऑर्डिनेटर बनना है, किसी ने कोऑर्डिनेटरशिप को बचाना है, किसी ने स्पेशल असिस्टेंट बनना है। मैंने कुछ नहीं बना है, मैं इधर आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान का शहरी बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बताया है। अब जो बुरा माने कुछ भी करें, मुझे कोई फर्क नहीं। आपके पहले सवाल का कि जी वहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नलतर में हुआ था, उधर आपने क्यों रोका, किन्हें रोका, दारेल वाले क्यों रोक रहे हो? इससे बड़ा अमेरिका में ट्विन टावर्स को गिराया गया था, अब वहाँ लोगों ने बंद किया जाना, उसके बाद 9/11 इधर हुआ कि नहीं, यूके में हुआ कि नहीं, इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट हुए। इंसिडेंट होने के बाद, गाड़ी में एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी चलाना छोड़ते नहीं, जहाज़ों का एक्सीडेंट होता है, क्रैश हो जाते हैं, जहाज़ चलाना बंद नहीं करते, उस पर हिफाजती इकदाम करने पड़ते हैं। इधर भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इससे पहले क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हुई है तो वो पर्सनल आपस की दुश्मनी में हुई है। हमारे उधर किसी टूरिस्ट को मारा तो बताएं, गिजर में यहाँ नहीं हुआ है, हंजा में नहीं हुआ है, मैं बता सकता हूँ गिलगित में हुआ है, उधर मुख्तलिफ जगहों में गिलगित बल्तिस्तान का हुआ है, वो भी कोई इलाके को मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हुआ वाक़े हुए। अब ये नलतर में इतना बड़ा इंसिडेंट, मैं कल गया वहाँ पे चेक पोस्ट से लगी, वो इंट्रिया करते हैं, एग्जिट शो करते हैं, इंट्रेंस शो करते हैं, हिफाजती इकदाम करें। दिया मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि टूरिस्ट पुलिस वहाँ दारिल जाएगी तो लोगों के अंदर वही पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो वो जो कैपेसिटी है उनकी वो भी बिल्डअप हो जाएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, फिर वहाँ पे लोगों में सिक्योरिटी, हम कल्चर्ड एरिया है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे, वहाँ पे रिलीजियस सेंटर वहाँ पे था, दर्जिस्तान का हेडक्वार्टर दारेल था, तो आपको तो कल्चरल हेरिटेज चाहे, बाहर से आने वाले बिल्डिंगें नहीं देखते, बिल्डिंगें आपकी बिल्डिंगों से ज़्यादा यूरोप की बिल्डिंगें बड़ी है, अमेरिका की बिल्डिंगें बड़ी है, यहाँ का कल्चर देखना चाहते हैं तो कल्चर देखना है तो दारेल को आओ, का हेरिटेज देखना है तो दारेल आओ, वहाँ रेमिनेंट्स देखना है तो दारेल आओ। लेकिन मैं किसी को नेगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल मतलब ये एक पर्सन नहीं रहे, आईजीपी मेरा भाई है, मैं उसको माफ़ करता हूँ, मेरा जो पर्सन था बस ख़त्म हो गया, लेकिन ये मेंटेलिटी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, मेंटेलिटी के ख़िलाफ़। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, इस तरह के वाक़ात रोज़ होंगे, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, मैंने बता दिया। उसके बाद अगर ये हिफाजती एग्ज़ाम नहीं करेंगे तो फिर ये झगड़े रोज़ होते रहेंगे। बेहतर दारेल की आप शायद नहीं गए, दारेल का हर बैठक उसका ठहरने की जगह है और हर घर उसके खाने की है। हम तो पेमेंट नहीं करते, हम तो फ्री में टूरिस्ट को बैठाते हैं, हम तो फ्री में उनके स्टे का वो बंदोबस्त करते हैं। अगर कोई रहना चाहे तो होटल भी है वहाँ, रेस्ट हाउस भी है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि कभी मौका मिले तो दारेल चक्कर लगाए, देखें। जी थैंक यू, थैंक यू।